हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक है, फिट फाट है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक ठाक हो, फिट फाट हो। तो दूसरा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सहरी के हमने आज वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पहले रोज़े की सहरी हो चुकी थी, तो सेकेंड रोज़े की हमने नहीं बनाई। हम आपको सेकेंड रोज़े की अफ्तारी और खाने की दिखाएँगे। तो मैं आज बना रही हूँ नेहारी, चिकन नेहारी बना रही हूँ आज मैं, और पुलाव बनेगा अफ्तारी में। अफ्तारी में होगा फ्रूट चाट, पकोड़े थोड़े से होंगे, और छोले भी होंगे थोड़े से, दही बड़े भी है। और दही बड़े आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल काफ़ी सारे बच गए थे दही बड़े। माशाल्लाह, यकीन करें कि कल हमारी अफ्तारी इतनी हो गई थी कि हमने खाना कुछ भी नहीं बनाया था। अफ्तारी जो भूख लगती गई, जो बची हुई अफ्तारी थी वो खाते गए अफ्तारी थी। और हमारा कीमा रखा था, तो बच्चों ने, हम लोगों ने सहरी में वो खा लिया कीमा। और अब मैं बना रही हूँ नेहारी। नेहारी की रेसिपी अब आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, और चिकन पुलाव की और अफ्तारी की बिस्मा सलमान व्लॉग पे मिलेगी आपको, ठीक है? और आपने इतना प्यार दिया हमारे को पहले रमज़ान की वीडियो में, ऐसे ही प्यार आप हमें इस वाली वीडियो में भी दीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आपको पूरे रमज़ान अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। ये हमारा भगोना हो गया गरम, इसमें हम डालेंगे ऑयल, 1 कप ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमारा जब ये मसाला भुनेगा ना तो अलग हो, तो फिर मैं जो है ना इसका रोगन अलग कर लूँगी। बहुत सी खवातीन बहुत से घरों में ऊपर से भगाड़ देता है निहारी में, मगर मैं भगाड़ नहीं देती। प्याज लगा, हाँ, ये अपने आप इसका जो तरी है ना रोगन, निहारी पकने के बाद खुद ही रोगन ऊपर आ जाता है माशाल्लाह से। टमाटर डाल, और मैं दही भी ऐड करूँगी निहारी में। आप लोग पूरी वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा हमारी। ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, अपने अपने तरीके होते हैं निहारी बनाने के। ये मैं प्याज ब्राउन करके इसमें डालूँगी, चिकन, लहसुन अदरक, आज हमारे यहाँ पुलाव भी बनेगा इफ्तारी में। तो पुलाव की रेसिपी आपको मिलेगी बिस्मा सलमान व्लॉग पर। और हमारी ये हाफ़ के जी, ये देखिए, ये मैंने धो ली, हाफ़ के जी चिकन है। ये पूरा पैकेट जाएगा निहारी का, इसके अंदर मुश्किल होता है वीडियो में, जब मैं चिकन डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हल्की गोल्डन हो गई प्याज हमारी। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, और मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, सुबह के 11 बज रहे हैं। बहुत छोड़ो, मैंने सुबह सुबह बना कर रख रही, क्योंकि इशू हो रहा है बहुत गैस का। पहले रोज़े से, इफ्तारी से, सहरी से बहुत इशू गैस का हो रहा है हमारे यहाँ। किस किस के यहाँ गैस का इशू हो रहा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उनके तो वैसे होता है, और उनके फोन में भी बहुत इशू हो रहा है, और उनके चावल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। छीटे क्यों आ रही है उनके? पीछे हो जाए बेटा थोड़ा। वैसे ये मैंने इसको लहसुन अदरक डाल दिया मैंने। किस किस का रोज़ा है? मेरा तो अलहमदिल्ला आज भी है, अल्लाह का शुक्र है। आज छुट्टी है स्कूल की, तो रख लिया, अब कल नहीं रखना। क्यों नहीं नहीं रखूँगी रोज़े पे? थोड़ी सी हल्दी जाएगी, एक ही महीना तो आता है। अब हम जो है सारा काम हम निपटा के निहारी बना के, अब हम जो है सफाई वफाई करके सिपारा पढ़ने बैठ जाएंगे। हमारी रूटीन 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग सिपारा पढ़ते हैं, उसके बाद 2 बजे हम लोग नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, सब लोग जोहर की नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं। और समीर सो रहे हैं, लाइट जा चुकी है, कम है। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे, ताकि जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जल जाए। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। बहुत आसानी से ईजी बन जाती है चिकन की निहारी, आधे घंटे में बन जाती है। मम्मा बना रही है सहरी के लिए हमारे, है ना? मैं सुबह सुबह यूँ बना रही हूँ, मैं कल रात को बनाती हूँ, मगर रात में बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। रोज़ा खोलने के बाद जो है ना सुस्त हो जाता है इंसान, पेट भर जाता है ना। हाँ, अब मैं डालूँगी निहारी का मसाला। जब हमारी चिकन गल जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी दही। ये देखिए भून गया मसाला, चूल्हा मैंने कर दिया तेज। घर के मसाले नहीं डालूँगी मैं, ये पैकेट आधा किलो किलो का ही होता है ना, तो
फिर अब अगर मैं घर के मसाले ऐड कर लूँगी तो मिर्चें हो जाएंगे तेज, और सहरी में मिर्चें तेज नहीं खानी चाहिए, सीने में जलन हो जाती है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, थोड़ा सा जाएगा पानी जिसमें हमारी चिकन गल जाए, ठीक है, चिकन गल जाएगी। इस तो मैं आपके सामने ही अपना ये सालन का रोगन अलग करके दही ऐड करूँगी, फिर इसमें आटा ऐड करूँगी, फिर हमारी निहारी हो जाएगी तैयार। तो वेवर्स में आटा गून के भी रख रही हूँ। रोज़े से पहले पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, रोज़े के बाद मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, जीतो पाकिस्तान देखती हूँ, फिर मेरा दिल नहीं चाहता, बस मैं चाय बनाती हूँ रोज़े के बाद, बिस्मा सारे बर्तन धोती है और फिर हम बैठ जाते हैं टीवी के आगे, और ईशा के 10 बजे तक नमाज पढ़ के अपने अपने बिस्तरों पे, क्योंकि शहरी में हमारी फिर आँख नहीं खुलती। आटे वाला काम ही मेरा है गूंदने का, मगर मैं कोमल से नहीं गूंदवाती, जाहिर सी बात है बच्ची है, रोज़ा है, ताकत लगती है आटा गूंदने में, तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, लगाने में लगती। हाँ, अब ये मैं आटा गूंद के रख दूंगी, शहरी में भी काम आएगा और रात में भी काम आ जाएगा। वैसे तो हम पुलाव बनाएंगे और इनके पापा कह रहे थे मैं रोटी खाऊंगा रात में, तो मैंने बोला सही है, मैं इनके लिए रोटी डाल दूंगी। अब मैं ये आटा गूंद के रख रही हूँ फ्रिज में, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रिवर्स हमारी ये हो गया, मसाला भुन गया, चिकन गल गई, यम्मी और रोगन के ऊपर आ गया, देखिए दिख रहा है ना आपको, दोनों काम हो गए। चिकन भी गल डालेंगे, मैदा नहीं डालते हम लोग, ये निहारी में डलता है लाल आटा, ये देखिए। अब मैं इसको घोलूँगी आपके सामने, घोलूँगी लाई बन जाएगी, इससे ना गाढ़ी हो जाती है नारी, ये वाई फायदा। कुछ लोग मैदा डालते हैं, हम लोग आटा डालते हैं। आटा मैंने गून लिया, अब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि इनके पापा झूठ नहीं बोल रही, रोज़े रखते हैं मगर कम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है काम पे जाने वाला आदमी, गर्मी किसी को बर्दाश्त है किसी को नहीं है, तो मेरे मियाँ कम रखते हैं, रखते हैं कम रखते हैं, जब अल्लाह से पर्दा नहीं है तो आपसे क्या पर्दा। हम लेडीज लोग जो है घर में रहते हैं, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज भी है। ये देखिए, अब मैं इसका रोगन निकालूंगी, ये हमारा आटा घुल गया, और आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज। ये रोगन मम्मा डालेंगी आटे के बाद, मैं समझ गई, क्योंकि अगर हम आटा डालते हैं ना सारा रोगन समेट आ गया चला जाता है। गेट खोल कर आना, सामने कॉमल जाओ, वीडियो ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, देखें सफाई कर ली मम्मा ने, आरती हो, भूख भी कितनी हो रही है, आ जाओ जोर से, पहले एक सिपारा हो जाएगा, जोर के बाद एक सिपारा हो जाएगा, चलो आटा डालो। क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे, फिक्स देखें हमारा सारा काम हो गया माशाल्लाह से, ये अच्छी तरह से भुन गया, आपको दिख रहा होगा भगोने की शक्ल, और अब मैं डालूंगी पानी, डाल दिया मैंने पानी, तो ये देखें हमारा ये बॉयल आ चुका है शुरबे में। अब हम स्लो स्लो करके आहिस्ता आहिस्ता करके चमचे से लाते रहेंगे, क्योंकि लंप ना बन जाए ना, इसलिए ऐसे डालू ना, ये आधा डाला है मैंने अभी, ठीक है, ब्राउन देंगी फिर ना, इसको हमें ऐसे चम्मच चलाते रहना है, कल आ गई हमारी निहारी, जल्दी से फटाफट से आ जाती है, बुलबुले बन जाएंगे। हरा धनिया लेमन तो है नहीं, बताए सब्जी वाला भी कल से नहीं आ रहा, जब से कल से रमजान स्टार्ट हुआ जब से सब्जी वाला नहीं आ रहा, बेचारा रोजे रखता अब वो हरा धनिया मेरी, और लेमन तो बहुत अच्छा लगता है, हरी मिर्चें तो है घर में, अल्लाह मुझे गर्मी लग रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, और मेरी सुबह हो गई, मैं उठ गई हूँ, तो मम्मा जो है ना निहारी के अंदर दही ऐड कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि तुम लेकर आओ, तो ये दोनों इधर सिपारा पड़ रहे हैं, ये देखें ये लोग सिपारा पड़ रहे हैं, तो मैं अब चलती हूँ किचन में। तो ये हमारी निहारी हो गई रेडी, बिल्कुल तैयार हो गई, और अब मैं डालने लगी हूँ दही, अच्छी तरह फेंट के, बिल्कुल भी लंप नज़र ना आना चाहिए सालन में, जो बुरे लगते हैं ना, दही बहुत से डालते हैं बहुत से नहीं डालते, दही मैं डालती हूँ क्योंकि ना इसमें टमाटर होता है तो दही तो ज़रूरी है ना थोड़ी बहुत, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी,
अब मैं वजू करने जा रही थी तो मैं बोला पहले दही डाल देती हूँ, सालन मेरा तैयार हो गया, ताकि जहन एक तरफ हो जाता है कि खाना बन चुका है, अब मैं जाके सिपारा पढ़ूँ फटाफट। ये देखें इसको चलाना है चम्मच। धनिया यार, धनिया के बगैर कितनी बुरी लग रही है निहारी। ये है मेरी रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी ट्राई करें अपने, ये बनाए दही वाली। दही डलती है निहारी में तो अच्छी बनती है। अभी उठी हैं बिस्मा, अब ये रेडी हो गई हमारी। और बाकी जो मैंने आपको बताया था इफ्तारी की, जो हमारी इफ्तारी थोड़ी बहुत होगी, और पुलाव, ख़ास तौर पे पुलाव की रेसिपी बिस्मा के बिस्मा सलमानी व्लॉग पे मिलेगी आपको, वो भी मैं बनाऊंगी पुलाव, वो भी मेरे तरीके से बनेगा, घर के मसालों से बनेगा, डब्बा नहीं डालूंगी मैं। चलो सही है, मैंने अब ये इसमें दही डाल दी तो उसको थोड़ी देर पकने छोड़ देंगे, क्योंकि दही पकेगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट तक, फिर हम चूल्हा कर देंगे बंद। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हूँ। जैसे कि मम्मा ने आपको बताया कि मेरा आज भी रोज़ा है, कॉमन का भी आज रोज़ा है। मम्मा ने ये क्या बना रही है? बन चुकी है मम्मा ने, पता नहीं क्या बना रही थी, क्या ये निहारी? निहारी बन चुकी है, आपको फटाफट दिखाते हैं। ये देखिए निहारी बनाई है मम्मा ने, चिकन निहारी है। हरा धनिया वगैरह अभी कुछ है नहीं घर में, हरी मिर्चें हैं खाली, उससे तो काम चलेगा नहीं। और ये स्पाइसी लग रही है वैसे ही मेरे को। तो कैसी लगी आज आपको हमारी ये वीडियो? आधे घंटे में तैयार हुई है निहारी, हमने सिपारे पढ़ लिया माशाल्लाह से, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। मैंने बोला आपसे जो है ना अल्लाह हाफिज़ कर लेते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। तो ये थी आज की हमारी निहारी की वीडियो, पुलाव की आपको वीडियो मिलेगी, रेसिपी मिलेगी बिस्मा सलमान व्लॉग पर, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा रमज़ान आपको फिर से बोल रहा हूँ बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिए। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं हुए तो फटाफट करना, ठीक है?